भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका दिया है। अब रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। ये सभी टिकट उन यात्रियों के कैंसिल किए गए हैं जिन्होंने रेगुलर चलने वाले ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाया था। रेलवे ने कैंसिल टिकट्स के पूरे पैसे वापस करने का फैसला किया है। रेलवे के एक आदेश में कहा गया है कि 1 मई से आरंभ की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा और 12 मई से शुरू की गई यात्री स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे ने कहा था कि जल्द ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। रेलवे के एक आदेश में कहा गया है कि 1 मई से आरंभ की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा और 12 मई से शुरू की गई यात्री स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे ने कहा था कि जल्द ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें 22 मई से चलेंगी और इनमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी। इनमें IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग होगी। फिलहाल ट्रेनों में RAC टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन वेटिंग टिकट मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए बंद के कारण 25 मार्च से रेलवे ने रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाएं निलंबित कर दी थीं। इसके पहले नियमित ट्रेनों के लिए सभी बुकिंग 17 मई तक रोक दी गई थी। देश में लागू बंद की अवधि 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। तीसरी बार बढ़ाया गया बंद 17 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों और कामगारों की घर वापसी तेज हो गई है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रोजाना यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच कोरोना का बढ़ता ग्राफ चौंका रहा है। ओडिशा से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। तकरीबन हर राज्य में प्रवासियों के कोरोना संक्रमित होने के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ओडिशा में बुधवार को सामने आए 101 नए कोरोना मामलों में से 90 प्रवासियों से जुड़े हैं। 3 मई के बाद राज्य में 376 पॉजिटिव केस पता चले हैं। इसी दिन से प्रवासियों ने बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी शुरू की थी। जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 300 से ज्यादा केस गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से लौटे प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। अकेले गंजाम जिले में ऐसे 210 से ज्यादा केस हैं। इनमें से ज्यादातर वे प्रवासी मजदूर कामगार हैं जो गुजरात के सूरत से लौटे हैं। यही वजह है कि मंगलवार को 437 के आंकड़े से बढ़कर बुधवार से राज्य में कोरोना मरीज की बढ़ती तादाद 538 हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका दिया है। अब रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है।
ये सभी टिकट उन यात्रियों के कैंसिल किए गए हैं जिन्होंने रेगुलर चलने वाले ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाया था। रेलवे ने कैंसिल टिकट्स के पूरे पैसे वापस करने का फैसला किया है। रेलवे के एक आदेश में कहा गया है कि 1 मई से आरंभ की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा और 12 मई से शुरू की गई यात्री स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे ने कहा था कि जल्द ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।